व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का टाइटल है लोक अदालत। लोक अदालत को अगर मैं साधारण सी भाषा में समझाना चाहूं तो इसको बोल सकते हैं आप लोग बाईपास। बाईपास मतलब आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बीच में कोई सिटी मिलती है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि यार सिटी के अंदर से मत आना, बाईपास से आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो ये उसी तरीके का बाईपास है। ये सिटी क्या हो गया यहाँ पे, सिटी हो गया यहाँ पर आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर आप लोग देख सकते हैं सबोर्डिनेट कोर्ट, जो मैं ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। सब सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख सकता है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और जब आप वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को स्क्रीन पर भी पॉपअप होकर यहाँ लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो ये एक तरीके की बाईपास यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब ये है कि आप लोग एक सिटी के अंदर से न जाके, जहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप लोगों की बहुत ज्यादा पैसा और मनी दोनों ही खर्च होता है, बाईपास से निकल आना, सीधा सीधा आप लोग बोलेंगे कि लोक अदालत में आ जाना। ठीक है, तो ये है लोक अदालत। तो साधारण सी भाषा में तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, टॉपिक एक तरीके से तो खत्म हो गया यहीं पर आपका। ठीक है, यही है इसका मीनिंग, अगर आप लोगों को बस मीनिंग समझना था। अगर आप लोग अब जानना चाहते हैं पूरा प्रोसीजर किस तरीके से वर्क करती है, क्या परमानेंट लोक अदालत होती है, कहां से लोक अदालत का कॉन्सेप्ट निकल के आया, किस तरीके से ये केस सोल्व करती है, करंट में क्या न्यूज है इससे रिलेटेड, वो सारी बातें अगर आप लोग अब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। अब लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। इस तरीके की न्यूज आप लोग डेली देखते होंगे, यहां पर आप लोगों को न्यूज पेपर में देखने को मिलती होगी कि मोर देन 50 लाख केसेस, 50 लाख से ज्यादा केसेज यहां पर डिस्पोज किए गए नेशनल लोक अदालत के द्वारा। आप लोगों को देखने को मिलता है इस तरीके न्यूज, कई बार आप लोग पढ़ते हैं लोक अदालत ने इतने सारे रिवेन्यू के केसेस निपटाए, ये बात आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये अभी लेटेस्ट की आप लोग न्यूज देख सकते हैं, यहाँ पर 2015 यहाँ पर 17 की बात की गई है, कितने सारे केसेस यहाँ पर निपटाए जा चुके हैं लोक अदालत के द्वारा। 50 लाख आप लोग देख सकते हैं, 50 लाख यहाँ पर, 60 लाख यहाँ पर, 29 लाख यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस का निपटारा किया जा सकता है। तो आप लोग एक बात और बोल सकते हैं सीधा सीधा, क्या कि जो हमारी नॉर्मल जुडिशरी है उसके ऊपर बर्डन कम करने का काम किया जाता है लोक अदालत के द्वारा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसजेंडर जस्टिस देखने को मिला, जस्टिस देखने को मिली थे विद्या कांबले। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जस्टिस, ठीक है, जो कि लोक अदालत में थे, तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके की न्यूज के ऊपर, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लोक अदालत एक्चुअल में है क्या और कहां से निकल कर आई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत का मतलब ये है कि जहां पर दो पार्टी तैयार हो जाएं कि हाँ भैया हम लोगों को कोर्ट में नहीं जाना है, कोर्ट में पैसा भी बर्बाद होगा हमारा और टाइम भी बर्बाद होगा, हम लोगों को बाईपास मेथड से सोल्यूशन निकालना है, तो वो लोक अदालत में आ जाते हैं। यहां पर पार्टी का सहमत होना जरूरी है। यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए केस और वो बोल देगा आप लोग यहां पर मत आइए, लोक अदालत में जाइए, वहां आप लोगों का मैटर सुना जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां पर जो केस लेकर पहुंचता है कोर्ट में, अगर वही सहमत होता है तभी जाकर लोक अदालत में आया जाएगा। तो किस तरह केसेस लोक अदालत में आते हैं, एक तो जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक दूसरे ऐसे हैं जिन पर अब तक कोई भी बात स्टार्ट नहीं की गई है, प्री लिटिगेशन स्टेज पर जो है अभी, जिनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है। ठीक है, तो ये दो तरीके केस आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, लोक अदालत में आते हैं और फिर इनको मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है बाहर। मतलब एक तरीके से बोलते ना आप, जुगाड़ कर देना यार, बाहर मिलकर दोनों जुगाड़ कर लेते हैं यार, मैटर को बाहर ही सेटल कर लेते हैं, क्या फालतू में झंझट में पड़ना है। इस तरीके की बातें आप लोगों ने नॉर्मल डे बाय डे में सुनने को मिलती होगी। तो जुगाड़ किया जो जाता है, जो मैटर बाहर से बाहर सुलझाया जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर किसी नुक्कड़ चौराहे पर ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया, तो आप लोग बोलेंगे यार मैटर को यहीं पर सिपटा ले। ठीक है, तो इस तरीके का मैटर यहां पर देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही यहां पर लोक अदालत का मैटर है। आप लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट के चक्कर में न पड़ना, एक तरीके से बाईपास रीजन हो गया यहां पर आप लोगों के सामने लोक अदालत। और ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट कोई नया प्रोविजन निकल के आया है, अभी लोक अदालत यहां पर पिक्चर में आ रही है, आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एंशियंट टाइम में भी लोक अदालत हुआ करती थी, और खासकर अगर बात करें आप लोग गांधी जी के टाइम पर भी, गांधी जी का प्रिंसिपल था वो तो हमेशा यही बोला करते थे कि मैटर को केस में लेकर मत जाओ। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, अगर आप लोगों ने गांधी जी की जीवनी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, उनका हमेशा यही फंडा रहता था कि केस को, जो केस होता है उसको आप लोग कोर्ट में लेकर जाओ ही मत, बाहर ही सुलझा लो, इससे बेस्ट कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। और बहुत बार उन्होंने बहुत सारे केसेस में इंटरमीडिएटरी का काम किया है, मतलब उन्होंने खुद से केस सुलझाए हैं बाहरी बार, अंदर न जाकर केस कोर्ट में न घुसकर। तो ये भी इनका भी कॉन्सेप्ट यही था गांधी जी का भी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रिंसिपल पर फोकस है यहां पर लोक अदालत, अगर देखा जाए तो। इसको एडीआर भी बोला जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब ऑल्टरनेटिव, एक साइड में आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट हो गए, और दूसरी साइड में आप लोगों का, साइड में आप लोग बोल सकते हैं बाईपास हो गया। तो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। क्या क्या काम करता है,
कोर्ट के सामने बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, बर्डन कम करता है। दूसरा बात क्या करता है, टाइम बचाता है, पैसा बचाता है आप लोगों को, और आराम से एक सिंपल प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट प्रोसीजर देखने को मिल रहा है, कोर्ट में बैठे हुए हैं सब इस तरीके से, वहां पर टाई बेल्ट बांध के इसको बोलना है उसको बोलना है, जो जज करता है ऑर्डर ऑर्डर रुक जाइए, तो ऐसा कुछ यहां पर देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल सी भाषा में आमने सामने बैठे होते हैं इस तरीके से, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर बैठे हुए हैं सुनने वाले केस, और यहां पर सामने खड़े हुए हैं अपनी अपनी बात बता रहे हैं। मान लीजिए इन दोनों की लड़ाई हो गई है, तो ये अपनी बात बोलेंगे और दोनों को एक मैटर पे सुलझाने के लिए बोल दिया जाएगा, एक मतलब मीडिएशन का काम किया जाएगा कि हाँ ये बात रखेंगे सामने की ऐसी बात ये है, यहां पर ऐसी बात ये बताइए, आप लोगों को दोनों का एक्सेप्ट है क्या, तो अगर दोनों हाँ बोल देते हैं तो मैटर सोल्व, अपने अपने घर जाइए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर सोल्यूशन दिखाई देगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है यहां पर, ऐसा भी नहीं है कि बहुत वकालत यहां पर होनी चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा यार कोर्ट में क्या चल रहा है, तो वो भी सिस्टम नहीं है। तो ये भी इसकी आप लोग एक एडवांटेज बोल सकते हैं कि आदमी को, जो नॉर्मल इंसान है उसको भी समझ में आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, उसके साथ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो वो सारी चीजें उसको भी समझ में आती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लोक अदालत के तहत यहां पर देखने को मिलतेगी, ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, और जो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है उससे यहां पर छूट मिल जाएगी। तो ये है लोक अदालत का सिस्टम। लोक अदालत के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, फर्स्ट जो लोक अदालत थी पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आफ्टर हमारी कंट्री जब आजाद हुई उसके बाद में, गुजरात में 1982 में स्टार्ट की गई थी फर्स्ट लोक अदालत। अगर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, काफी शानदार तरीके से इसने कई सारे मैटर जो डिस्प्यूट थे, लड़ाई थी, उनका सेटलमेंट किया था, और तब से आप लोगों को देखने को मिलेगा आसपास कंट्री में भी ये लोक अदालत का सिस्टम फैलने लगा। स्टार्ट कहां से हुआ, जो इसको लीगल स्टेटस दिया गया लोक अदालत को जो असलियत में पिक्चर में आई वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब इसको लीगल स्टेटस दिया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो मैं लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में नहीं पता है तो जाकर लेक्चर देख सकते हैं, इसके लेक्चर अभी मैंने डिस्कस किए हैं लेटेस्ट 1987 के तहत। इसके तहत इसको स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया, मतलब कैसे स्टेटस दिया गया, इसको पार्लियामेंट से पास कराया गया, लोकसभा राज्यसभा इसके बाद में प्रेसिडेंट के साइन, एक स्टैचुटरी बॉडी बनाई गई, एक स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया यहां पर, ताकि ये केस सुन सके और इसकी भी एक वैलिडिटी यहां पर हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख दिया कि यहां कुछ पता ही नहीं है कहां से क्या चल रहा है। तो इसके तहत यहां पर ऑर्गेनाइज होता है यहां पर लोक अदालत का, क्या मतलब है, इस एक्ट के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इसका, और किस तरीके से लोक अदालत की फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी इस एक्ट के तहत, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, क्योंकि इसी के तहत इसको स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब कहां कहां पर लोक अदालत आप लोग सेटअप कर सकते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा, तालुका लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा, ये इस तरीके से लेवल पर आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग इंटरवल पर, अलग अलग टाइम पीरियड पर यहां पर अलग अलग एरिया में लोक अदालतें बनाई जाती हैं, लोक अदालतों का गठन किया जाता है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि मैटर जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट पर बर्डन न पड़े, उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के इस तरीके सिस्टम हमारी कंट्री में क्रिएट किए गए हैं। मेंबर कौन रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं किसी को भी बैठा देंगे वहां पर लेकर, किसी ना किसी को तो एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए, एक जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, तो सर्विंग होना चाहिए, या फिर रिटायर हो चुका होता है, या फिर कोई भी लोक अदालत में जो ऑलरेडी काम कर चुका होता है वो कोई इंसान यहां पर होना चाहिए। जनरली अगर आप लोगों को बोले जाए, एक जनरल फॉर्म में, अगर जनरलाइज फॉर्म में आप लोगों से बात की जाए, तो एक जुडिशियल ऑफिसर एज ए चेयरमैन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और कोई भी लॉयर वगैरह, एडवोकेट वगैरह और सोशल वर्कर आप लोग यहां पर इसके मेंबर नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई भी केस अगर कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है, या फिर उसके सामने पेंडिंग नहीं, मतलब अभी कोर्ट के सामने आया नहीं है, लिटिगेशन प्रोसेस में अभी, तो दोनों ही तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये केस लोक अदालत के जुडिक्शन के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट तो आप लोग याद रखिए ही रखिएगा कम से कम। अब इस स्लाइड से आप लोगों के माइंड में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि लोक अदालत में केस आते कैसे कैसे हैं। मैटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मान लीजिए शादी ब्याह से रिलेटेड कोई इशू है, फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है, क्रिमिनल कोई इशू है, क्रिमिनल कैसा कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस कैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ऐसा ऑफेंस देखने को मिलेगा यहां पर आप लोगों को जहां पर जो विक्टिम है, जिसके खिलाफ कोई गलत काम हुआ है, वो विक्टिम अगर चाहता है, क्राइम देखने को मिल रहा है ना आप लोगों को, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस तब आएगा अगर कोई विक्टिम चाह रहा है, मान लीजिए किसी के साथ में कोई गलत काम किया गया है, किसी के साथ में कोई मार धाड़ की गई, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी को गोली मार दी, अगर विक्टिम खुद चाहता है यहां पर कि जो केस को यहां पर इसमें ले जाया जाए यहां पर लोक अदालत में, तो उस तरह का केस यहां पर लोक अदालत में जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये केस लोक अदालत में नहीं जाएगा, क्रिमिनल केस हो जाएगा। ये लैंड से रिलेटेड कोई मैटर है, लेबर से रिलेटेड कोई मैटर है, तो इस तरीके बैंक रिकवरी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, या फिर सलम क्लीनिंग करने से रिलेटेड, हाउस फाइनेंस से रिलेटेड,
कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मैटर हो गया, आप लोगों के टेलीफोन बिल का हो गया, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कोई बात हो गई, इसी तरीके से आप लोगों का ये छोटे छोटे जो डे बाय डे की एक्टिविटी में नॉर्मल जो मैटर्स आते हैं उनकी बात यहाँ पर की जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये छोटे छोटे से मैटर को हम लोग कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे, एक तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने वाला है, और दूसरा अगर मान लीजिए किसी की एरिया में इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो ढंग से काम नहीं कर रही है, वहां पर तार टूटा पड़ा है और वो मैटर कोर्ट में चला गया और तार अब तक जुड़ भी नहीं रहा है, पता चला कोर्ट में तो भैया 10 साल में सुधरेगा जाके वो तार तो इस तरीके से मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके, जो डे बाय डे की चीजें होती है उन पर ज्यादा टाइम न लगे, तो तब जाकर पिक्चर में आप लोगों के सामने यहां पर आती है लोक अदालत। तो इस तरीके से आप लोग लोक अदालत को थोड़ा माइंड में क्लैरिटी लाकर समझ सकते हैं। तो लोक अदालत अब आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी किस किस एरिया पे यहां पर फोकस देकर नॉर्मली चलती है। पर लेकिन जब बात की जाती है कंपाउंडेबल, याद रखिएगा, पर नॉन कंपाउंडेबल यहां पर नहीं आएगा, मतलब अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है किसी के खिलाफ, गोली वगैरह मार दी गई है, किडनैप वगैरह कर लिया गया है, अगर वो जो यहां पर जो विक्टिम है वो नहीं चाहता है, ठीक है, तो तब यहां पर नहीं आएगा और किसी लॉ के अंडर इस तरीके से कवर नहीं किया जा रहा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपाउंडेबल ऑफेंस यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, नॉट इन कंपाउंडेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस आएगा जहां पर विक्टिम अराजी हो जाता है, वरना ये यहां पर इस मैटर में नहीं आएगा, वरना नॉर्मल आप लोग मैटर यहां पर नजर आएंगे, एक सिविल कोर्ट की तरीके से वर्क करता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया यहां पर, अब पेंडिंग बिफोर द केट, हम लोग केस की बात लो हम लोग कर चुके हैं, तो पार्टी को एग्री होना चाहिए कि हाँ भैया हम लोग लोक अदालत में आ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई एक पार्टी तो कम से कम एग्री होनी चाहिए कि हाँ भैया लोक अदालत में जा रहे हैं, और यहां पर कोर्ट को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ अप्रोप्रिएट यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन कराई जा रही है, एक तरह प्रॉपर वे में यहां पर सिस्टम जनरेट किया जाएगा और प्रॉपर वे में ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि अंधे में वो अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है यहां पर, तो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत यहां पर काम किया जाता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, सबसे पहली बात तो क्या है, यहां पर लोक अदालत काम करती है इस तरीके से जैसे आप लोगों को सिविल कोड देखने को मिलता है, ठीक है, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर जो है 1908 इसके हिसाब से यहां पर काम करती है, पर लेकिन इस पर कंप्लीटली स्टिक नहीं है, यहां पर यह नॉर्मल तरीके से भी यहां पर काम करती हुई नजर आएगी। तो कई बार इस बात के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये बात आप लोगों को कंप्लीटली याद रखनी है कि यहां पर जो इनका कोर्ट ऑफ द सिविल प्रोसीजर है उसके हिसाब से तो काम करते ही करते हैं। कई बार इनका क्या होता है, एक सिंपल सा मैटर सुलझाने के लिए अपने आप खुद भी एक अपना ओन प्रोसीजर इन्होंने डेवलप कर रखा है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, जब इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक साइड में तो यहां पर जज वगैरह बैठ गए, एक साइड में यहां पर इंसान खड़े हुए हैं, तो जो भी इनको सुटेबल लगता है वो नहीं होता है सुलह करवाने के लिए, जो भी इनको जुगाड़ सेट बैठता है इनकी सुलह करवाने के लिए, दो इंसानों में अगर कोई लड़ाई हो जाती है किस तरीके से उनके बीच में कोई भी बातें होती है उनको सेटल किया जा सकता है, तो उसका कोई भी प्रोसीजर यहां पर ढूंढा जाता है, बस सीधा सीधा सिस्टम ये होता है कि यहां पर सोल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक है। एक बात आप लोगों को यहां पर जरूर ध्यान रखनी है कि ये खुद का तो प्रोसीजर होता ही रहता है, पर एक बार अगर यहां पर सॉल्यूशन निकाल दिया गया मैटर का लोक अदालत के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं याद रखिएगा, अगर इसके द्वारा एक बार कोई सॉल्यूशन निकाल दिया गया, कोई अवार्ड दे दिया गया कि हाँ ये सॉल्यूशन होना है और फाइनल ये हो गया जो भी होना था वहां पर, फिर वो बाइंडिंग रहेगा। मतलब कहने का ये है, अगर यहां पर एक बार रिजल्ट आ गया निकलकर, फिर इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाने का हक नहीं रहेगा, यहां पर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं करना है उस केस को लेकर जाकर, यहां पर किसी भी कोर्ट में नहीं जाना है, ये है असली सिस्टम जो कि लोक अदालत का है। अगर यहां पर कोर्ट किसी और कोर्ट में अपील करने का मैटर आ जाता तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता यहां पर लोक अदालत का, ऐसा कैसे बर्डन बना रहता, ऐसी की ऐसी बातें चलती रहती, तो सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन ये निकल के आ रहा है कि यहां पर एक शांतिपूर्वक ढंग से चीजों को सुलझाया जाता है और उसके बाद में मैटर को यहां पर सोल्व कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को लोक अदालत का देखने को मिलता है, इसीलिए इसको फास्टेस्ट प्रोसेस बोला जाता है। दूसरा, इसको यहां पर पैसे भी कम से कम लगते हैं, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोग लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं और नंबर आता रहता है, आवाज लगाते रहते हैं, उसके बाद में मैटर सोल्व होकर जल्दी से जल्दी निकलते रहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताया, 50 लाख केस जो सुलझा दिए गए हैं, तो ये एक तरीके से बिचौलिया बनकर सुलझाए जाते हैं, दोनों पार्टी को सुना जाता है और जिसकी बात यहां पर दिखती है उस तरीके से बोल दिया जाता है कि हाँ ये मैटर है और ये सोल्यूशन होना है, दोनों को एक्सेप्ट है, पूछा जाता है कि ये दोनों को एक्सेप्ट है आपको, अगर दोनों हामी भर देते हैं कि हम लोगों को एक्सेप्ट है, तो फिर वहां पर वो सॉल्यूशन निकल जाता है और वो बाइंडिंग होता है, ओके? अब बेनिफिट क्या क्या है इसके, बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो फीस बिल्कुल खत्म है यहां पर, ऐसा कुछ ही नहीं है कि आप लोगों को फीस जाकर देनी है, जिस तरीके से कोर्ट में वकीलों को बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ऑलरेडी मैटर यहां पर कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है तो वहां पर आप लोगों ने कोई फीस जमा कर रखी है बड़े वाली, और आप लोगों का मैटर जो होता है लोक अदालत में सॉल्यूशन निकल जाता है उसका, तो आपकी वो फीस भी वहां पर रिटर्न की जाएगी, रिफंड होगी आपकी फीस, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है यहां पर, सिविल प्रोसीजर कोड या फिर कोई एविडेंस एक्ट यहां पर नहीं देखने को मिलता है जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, सामने खड़े रहते हैं, आपस में बात करते हैं और चीजों को सुलझा लिया जाता है, ठीक है। पार्टी डायरेक्टली बात करती है जज के, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जज की सिकल भी नहीं देखने को मिलती है, जज का चेहरा देखने को मिलता है, काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है केस, वकीलों का चेहरा देख देख कर पक जाते हैं,
तब जाकर जज का चेहरा देखने को मिलता है। पर यहां पर आप लोगों के सामने जज बैठेंगे, आप लोग फेस टू फेस उनसे बात करेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई, झट मंगनी पट भी, मतलब जैसे ही केस लेके गए तैसे ही आप लोगों को सोल्यूशन मिल गया, सब अपने अपने घर। तो ये भी सबसे शांति का काम आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पर ला कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको इसी तरीके से समराइज किया है। ला कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसी की बड़ाई की है कि यहाँ प्रोसीजर काफी अच्छा और काफी शानदार है। ला कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो यहाँ पर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, जिसको हम ADR बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है बहुत कम एक्सपेंसिव है, मतलब लेस एक्सपेंसिव है, सबसे कम टाइम लेता है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो केस होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती है वहां पर, मतलब क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी केट के यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर दलीलें दी जा रही है, ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। साधारण सी भाषा में फेस टू फेस बात करते हैं और काम खत्म होता है, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। पार्टियां अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, कोई भी ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कोई बड़ा सा यहां पर कुछ भी ऐसा डिफरेंट ओपिनियन आप लोगों को देखने को मिले, कोई अलग अलग नए नए ओपिनियन बना के लेके आ रहे हैं, तो ऐसा भी ओपिनियन यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ यहां पर सामने ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है यहां पर कोई भी लूज नहीं करता है, मतलब क्या होता है यहां दो पार्टी के बीच में सोल्यूशन निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक पार्टी जीत गई और दूसरी पार्टी हार गई, यहां पर दोनों को ही कुछ ना कुछ मिलता है, एक सुलझा किया जाता है। मान लीजिए किसी जमीन पर लड़ाई है तो बोला जाता है कि ये टुकड़ा आप रख लीजिए और ये टुकड़ा आप रख लीजिए, इस तरीके से बोला जाता है। पैसों के ऊपर लड़ाई है तो ये पैसा आपका हो गया और ये पैसा आपका हो गया, तो कहीं ना कहीं दोनों को ही कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि एक केस एक पार्टी हार गई और दूसरी जीत गई, तो हार और जीत वाला फंडा यहां पर नहीं देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो आप लोगों ने लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया, पर कुछ परमानेंट लोक अदालत भी होती है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, परमानेंट बेसिस पर लोक अदालतें बनाई जाती है मैटर को सुलझाने के लिए। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी के हिसाब से अगर बात करें 1987 के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा परमानेंट लोक अदालतें बनाई गई हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस याद रखिएगा, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके लिए नॉर्मली आप लोगों को लोक अदालत देखने को मिलेंगी। तो मैटर क्या निकल कर आते हैं यहाँ पर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती क्या है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, दुनिया भर की जो सर्विस मैंने आप लोगों को गिनाई थी यहाँ पर, ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैटर हो गया यहाँ पर, मान लीजिए फोन की लाइनिंग से रिलेटेड मैटर हो गया यहाँ पर, टैक्स से रिलेटेड मैटर हो गया, इसके रिलेटेड आप लोगों को जो टेलीफोन कंपनी है उसका मैटर हो गया कोई यहाँ पर निकलकर, हाउसिंग से रिलेटेड स्लम का कोई मैटर हो गया यहाँ पर, वॉचमैन से रिलेटेड कोई कंपनसेशन का मैटर हो गया। तो इस तरीके से जो पब्लिक सर्विस जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, बेसिक सर्विस होती है, उनके लिए यहाँ पर बात की जाती है। तो अच्छा फायदा क्या है, वीकर सेक्शन जो रहता है सोसाइटी का उसको आसानी से यहां पर न्याय मिल जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, जो इंसान यहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता है वो शांति से यहां पर केस को सुलझा सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिलती है। और समझौते के द्वारा यहां पर सॉल्यूशन निकाला जाता है, किसी एक साइड से सॉल्यूशन थोपा नहीं जाता है, जब दोनों पार्टी यहां पर आकर बैठती है कि हां भैया हमको भी यहां पर सॉल्यूशन निकालना है, तब यहां पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कोई भी अननेसेसरी यहां पर आप लोगों को डिले दिखाई नहीं देगा। और आप लोगों को पता है जैसे मान लीजिए कोई महानगर की टेलीफोन सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो ढंग से सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैसी होती है, वो एक अर्जेंट सर्विस होती है। अब ऐसा तो है नहीं कोर्ट की केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में और बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो इस तरीके का मतलब तब तक तो यार उनकी फोन की जो लाइन है वो ठप पड़ी रहेगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी यहां पर केस का सुलझावा किया जाता है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसीलिए परमानेंट लोक अदालत भी सेटअप की जाती है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस तरीके मैटर का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये भी पिक्चर में यहां पर आती है, तो इनको भी आप लोगों को थोड़ा समझना है, इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमानेंट लोक अदालत भी यहां पर सेटल की जाती है केसों का निपटारा करने के लिए। एक बात और आप लोग यहां पर याद रखें, जब यहां पर किसी भी केस का सोल्यूशन निकाला जाता है, मान लीजिए दोनों पार्टी की बात सुनी और बोला कि केस का सोल्यूशन ये होना है, तो यहां पर जो जज बैठे हुए हैं सबकी मेजोरिटी के बेस पर यहां पर सोल्यूशन निकाला जाएगा। मान लीजिए पांच जज है, ठीक है ना, तो पांच जज यहां पर, तो जिस साइड में तीन जज होंगे तो वहां पर मेजोरिटी रहेगी। मान लीजिए यहां पर चार जज बैठे हैं, तो जब तीन जज मिलकर यहां पर मैटर को बोलेंगे कि हां ये सही है, ये सोल्यूशन हम लोगों को देना है, तो वो सोल्यूशन माना जाएगा, कोई सोल्यूशन थोपा नहीं जाएगा, मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन होगा। जिस तरीके से अब पार्लियामेंट में आप लोगों को जब पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बिल को पास किया जाता है, तो कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किस तरीके से किसी भी यहां पर अगर मान लीजिए इंपीचमेंट करना है राष्ट्रपति का, या फिर किसी हमको कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर सिंपल मेजोरिटी देखने को मिलती है, जहां पर भी ज्यादा जज सहमत होंगे वो वहां पर सॉल्यूशन माना जाएगा उस केस का। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चीजों को शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक पर ताकि सबको फायदा पहुंचाए, और ठीक है ना। तो इसके अलावा आप लोग यहां पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी चीजें आप लोग यहां पर मिल जाती है, सब सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पॉलिथीन कम से कम यूज कीजिए, और मिलजुल कर रहिए और रिविजन जरूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।